हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। रामपुर बुशहर की कोट पंचायत के ग्रामीणों के बाद अब पंचायत की मंदिर निर्माण कमेटी ने भी 24 मेगावाट की कोट जल विद्युत परियोजना प्रबंधक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। MOU की शर्तों को पूरा न करने से मंदिर कमेटी खफा है। वहीं लोग भी अब परियोजना प्रबंधन के साथ साथ सरकार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ सवाल उठाने लगे हैं। मंदिर कमेटी का कहना है कि परियोजना निर्माण में मंदिर की जमीन गई है। परियोजना प्रबंधन ने कहा था कि परियोजना पूरी होने पर मंदिर निर्माण को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन आज तक नहीं दिए गए। इस संबंध में मंदिर निर्माण कमेटी के महासचिव संजीव केदारटा ने कहा, नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव केदारटा कूट पंचायत का रहने वाला स्थायी निवासी हूँ। मैं टेम्पल कमेटी कूट से निर्माण कमेटी जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारा जो करारनामा जो कूट जल विद्युत परियोजना के साथ हुआ था, उसमें इन्होंने कहा था कि जो आप लैंड लूजर है, हमारा जो टेंपल कमेटी की जो है जमीन निर्माण कार्य में लगी है वहाँ पर जल विद्युत परियोजना में, तो इन्होंने कहा था कि हम जो है आपको 5 लाख रुपए निर्माण कमीशनिंग निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद, जैसे कमीशनिंग हो जाता है प्रोजेक्ट, हम जो है आपको 5 लाख रुपए मंदिर निर्माण के लिए देते हैं। तो जो करारनामा उस वक्त इनका हमारे साथ हुआ था, वो करारनामे के तहत एक भी शर्तें इन लोगों ने हमारी पूरी नहीं की। तो इस तरह से जो है हमारी बात को नीचे ही दबाया जा रहा है, झूठी तरह से वो किया जा रहा है, और जो है हमारा कोई भी कार्य जो है प्रोजेक्ट वालों ने अभी तक इसमें नहीं किया, जबकि हमारा पूरा क्षेत्र जो है इस प्रोजेक्ट से डिफेक्टेड एरिया में आता है, और काफ़ी से रास्ते हमारे जो है ख़राब हो चुके हैं। पैदल चलने योग्य रास्ता पहले हमारे ठीक थे, प्रोजेक्ट का मक पड़ने की वजह से वो भी जगह जगह से ख़राब है। प्रोजेक्ट वालों ने जो ये मनमानी कर रहे हैं, अपनी तरह से जो काम कर रहे हैं, गांव वालों को दबा रहे हैं, किसी की मांग पूरी नहीं की जा रही। ये जो करारनामा हमारा प्रोजेक्ट के साथ हुआ था, अगर उस करारनामे के तहत हमारे पंचायत का अगर विकास नहीं होता है, तो हम सब एक होकर, हम प्रशासन को भी हम इससे पहले कई बार बता चुके हैं कि जो है इस बारे में अमल किया जाए और हमारे जो करारनामा है उसको फॉलो किया जाए, जो हमारे विकास होने थे उसके तहत वो कार्य नहीं हुए हैं। तो इस चीज़ को हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो। अगर ये कार्य प्रोजेक्ट नहीं करती है, तो हम सब ग्रामीण इकट्ठे होकर जो है आगे कहीं भी धरना देने के लिए से भी पीछे नहीं हटेंगे। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए रामपुर से रमेश शर्मा।